हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हम लेके आए आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस, जहां पे क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है और किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रिलेटेड टॉपिक, तो हमारे पास कोई बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसी में से एक टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब ये हो गया कि रिलेटेड फंक्शन कितना इंक्रीज कर रहा और कितना डिक्रीज कर रहा। अगर इंक्रीज कर रहा तो किस वे में कर रहा, और डिक्रीज कर रहा किस वे में कर रहा। दूसरी बात, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा हो तो दैट मीन्स उसका स्लोप ऑलवेज क्या होता है बेटा, लेस देन ग्रेटर देन जीरो। और जो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है उसका स्लोप ऑलवेज क्या होता है, लेस देन जीरो। भाई अगर बात करें हम किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन की, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कोई इंक्रीजिंग है, तो अगर मैं इस पे टेंजेंट की बात करूं इस पे, तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और dy अपॉन dx का मतलब ज्योमेट्री फॉर्म में क्या हो गया, पॉजिटिव। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड आल्सो अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं इस तरह से, तो इसका स्लोप अगर मैं देखता हूं यहां पे ये, तो ये नेगेटिव स्लोप होगा, यानी dy अपॉन dx नेगेटिव तो नहीं होगा बट ग्रेटर देन 90 होगा। और आपको पता स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसमें इंक्रीजिंग की बात करते हैं, तो इंक्रीजिंग के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई अगर मैं कोई भी फंक्शन मेरा इंक्रीज कब कर रहा है, भाई फंक्शन मेरा इंक्रीज तभी करेगा जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जीरो है, इन दैट केस फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखिए भाई, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यही कहता है। दूसरी बात, मैंने क्वेश्चन यहां पे लिखा द फंक्शन एफ डैश, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-7 x2/3 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स लाइन, कहां तक लाई करेगा, ये इन्होंने पूछा हुआ हमसे। चलिए वो बाद में बात करेंगे, हम पहले हम देखेंगे कोई भी फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मींस एफ डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लाइक कोई भी डिफरेंशिएशन इसी बात पे डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कि आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो हो। अंडरस्टूड? अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करता हूं इस चीज का, देखो बेटा 3x-7 x2/3, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट ऐसी, अगर मैं सेकेंड का करूंगा तो पावर आ गया 2/3, एक पावर कम होगी तो यानी क्या बच जाएगा, 1/3। प्लस दूसरा ऐसी पहले का करेंगे तो कितना आएगा, 3। अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, इसको 3x एक्स की पावर 1/3 और एक्स की पावर 1/3, बताओ ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं 6x-14+9x और एक्स की पावर 1/3, दिस यहां पे 6 यानी कितना बचेगा भाई, 15x-14/6 और 3 3 9, बिल्कुल एक्स 1/3। यानी इसके लिए अगर मैं देखूं
जीरो कहां पे हो रहा है, यानी एक्स इज इक्वल टू 4/15। एक तो ये क्वेश्चन है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या भाई, एक 15x माइनस दिस ये इधर गया, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 15/14/15। और एक क्या हो सकती है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव की कोई भी वैल्यू यहां पे डिफाइन करूं मैं, उसके लिए ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहां पे जीरो एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने जीरो रख दिया तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपके जो एक्स लाई करने वाला होगा, एक्स जो लाइंग कर रहा होगा, वो कहां से कहां तक कर रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, और 14/5 से प्लस इनफाइनाइट तक। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट। आई होप आप बात समझ पाए हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।